हाय गाइस, मैं हूँ वरुण चौधरी। वापस से स्वागत है आपका वीसी व्लॉग्स पे। तो आज अपनी बुलेट का हम थोड़ा बहुत काम कराने जा रहे हैं। क्या काम कराने जा रहे हैं? अपनी बुलेट का ही अपना पॉल्यूशन जो होता है, पॉल्यूशन एक्सपायर हो गया क्योंकि अपनी बुलेट को 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। और इंश्योरेंस हमने करा ही लिया था क्योंकि वो भी 1 साल का होता है, थर्ड पार्टी वाला, और सॉरी फर्स्ट पार्टी वाला, ठीक है। तो वो हमने पहले करा लिया, तो पॉल्यूशन रह रहा था। पॉल्यूशन करवा के आएंगे, इसमें पेट्रोल डलवाएंगे। आज पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा है इसमें, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं सीधा मोटो ब्लॉग में। और आज पिछले मोटो ब्लॉग में क्या हुआ था, माइक की क्वालिटी बहुत बेकार थी, तो आज मैंने नया माइक यूज़ कर रहा हूँ। और बता देना कैसी लगेगी ऑडियो क्वालिटी, और वीडियो क्वालिटी में भी थोड़ा सा फ़र्क लगेगा आपको। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। मास्क लगा रखा है, थोड़ी ऑडियो हो सकता है ऊपर नीचे। तो चलिए फिर सीधा मिलता है मोटो ब्लॉग में। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो दोस्तों चलते हैं अपना पोल्यूशन करवाने और अपना हवा ववा चेक करने बुलेट की। टायरों की मुझे आजकल थोड़ी सी कम लगी है, तो हम जाएंगे पेट्रोल पंप, वहीं पे होता है अपना पोल्यूशन, अपने घर के पास वाला जो भी है। तो दोस्तों मेरी वीडियो पता क्यों नहीं आ रही थी? ये देखो सामने लोग बैठे दिख रहे हैं, दोनों पुलिस वाले। जो जो दिल्ली में रहते हैं वो समझ गए होंगे क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर, वरना मैं आपको रास्ते में चलते चलते बताता हूँ। देखो पेट्रोल नहीं है इसमें, काफ़ी दिन से स्टार्ट हुई नहीं है ये। मजा आया तो ये बैठे हैं भाई कोरोना की वजह से। ये एक और जना बैठा हुआ था यहाँ पे, तो ये क्यों बैठे हैं? हमारे गली में कोरोना पॉजिटिव निकल गए थे 2-3, इस वजह से बैठे हुए थे ये। तो चलिए फिर चलते हैं। तो मेरी काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, आज बढ़िया सा मोटो ब्लॉग करेंगे अपना गलियों में। पास में ही है मेरे घर से पेट्रोल पंप, और टाइम हो रहा अभी 5 बज रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़िया वाले रूट के हॉर्न, अरे डर डर जाता अगले वाला बंदा जब मैं ये बजाता हूँ ना, कहीं जने डर चुके हैं इससे। चलो ऑटो वाले अंकल, चलो हम चलते पहले। देखा अलग ही रिएक्शन होता भाई रूट्स के औरन का। अभी जो ऐसे वो पीछे बहन बैठी हुई थी, उनने पलट के जरूर देखा तुरंत। तो अभी अपना स्टॉक साइलेंसर लगा हुआ है, देखते हैं क्या आता है। भाई मेरा भाई जो है ना, भाई जब बुलेट लेके जा रहा था डेली, जब गाड़ी नहीं थी तो तब भाई ने ट्राई कराया था, कोशिश करी थी कि पोल्यूशन बन जाए। तब उन्होंने क्या कहा कि कह रहे कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। उनका वो पाइप तो होस में घुस नहीं पा रहा था, मतलब जो एग्जॉस्ट का जो आगे पीछे का मुँह होता है ना, तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आ रहा है बाइक का, बताओ यार ये क्या मतलब है। चलो आज देखते हैं क्या चक्कर है भाई। पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोल भी भरवाएंगे इसमें। हवा भी मेरे को थोड़ी बहुत कम लग रही है बाइक की। अरे दोस्तों बहुत प्रॉब्लम हुई, वीडियो पूरी बन गई और लेकिन मैं अल्ट्रा वाइड लगाना भूल गया, बताओ। अब दोबारा स्टार्ट करते हैं अपनी बुलेट को। और चलो अब तो आ ही गए खैर पेट्रोल पंप। अरे यार मैं अल्ट्रा वाइड कैसे लगाना भूल गया यार, शट। यार ये पब्लिक मेरे को ऐसे क्यों देखती है जैसे मैंने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया। कैमरा लगा के फ़ोन, मतलब अपना लगा के हेलमेट पे। अब देखना पेट्रोल पंप का रिएक्शन देखना आप कैसे देखेंगे लोग अजीब तरीके से। मैं तो इन पर ध्यान नहीं देता, वरना इतनी पब्लिक देखती है ना इस चीज़ को। तो चलो छीड़ा आज तो, उधर वाले पे चलते हैं, कोने वाले पे बिल्कुल। आंटी आंटी करेंगे आज पेट्रोल। चलो भाई चलो, मैं वैसे बहुत कम पेट्रोल भरवाता हूँ अपनी बुलेट में, ज़्यादातर मेरा भाई भरवाता है। देखे जरा कितना है, खाली पड़ी है भाई टंकी तो। ऐसे क्यों देख रहे हैं यार ये लोग, मेरे को अजीब सा लग रहा है। यार ये आंटी को कैसे रख लिया इन्होंने, ना कोई ड्रेस ना कुछ,
कैसे भर रही है पेट्रोल? ये खड़ा हुआ है देखो, ये बंदा भर नहीं सकता यार पेट्रोल, बताओ यार। तानी क्या ही करके मानेंगे पेट्रोल पंप वाले, देखे जरा एक बार देखे बस। अब इसने देख लिया ये, अब इसको लग रहा है अजीब सा, तानी क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐड के पढ़ते हैं ये लोग। मैंने कहा है भाई जीरो कर दे, कहता जीरो आएगा अभी कर जब डालेंगे। मैंने कहा भाई ठीक है भाई, तुम्हें ही पता क्या होता क्या नहीं होता। अब आ गया, देखें जरा इसका साइन गया कि नहीं गया। 3 लीटर आया भाई, 500 रुपये का हो गया पेट्रोल, बताओ यार क्या हो रहा। 100 रुपये का हो गया मतलब पेट्रोल, गलती से 500 बोल दिया। चलो पोल्यूशन वाला ये रहा भाई। तो दोस्तों अभी बुलेट चालू है, ये निकल गया भैया। हो बुलेट सा, तो भैया ने पूछा क्या चैनल है मेरी बुलेट का, जाओ चेक करो भैया। तो पकड़ के खड़ा हो जाओ तुम, ठीक है? फोटो बटा था, ठीक है? पेट्रोल हमने भरवा लिया अपनी बुलेट का और यहाँ से अपना करा रहे हैं अपना, थोड़ी देर स्टार्ट करेंगे ये। ये बार बार निकल रहा है भैया, तो अपना ये बन चुका है बढ़िया तरीके से, ठीक है? 1 साल का बन गया। यहाँ देखो क्या लिखा है, अगर पॉल्यूशन नहीं होता आपका तो 10,000 रुपये का चलान है, ठीक है? और ये अपना बन गया बढ़िया तरीके से 1 साल का, कोई बात नहीं भाई, 100-200 रुपये लग गए। वैसे ये 6 महीने का बनता है, 6 महीने का कितने का, 60 रुपये का बनता है। मैंने कहा यार 1 साल का ही कर दो भाई, तो चलिए फिर घर चलते हैं अभी। तो दोस्तों एक मैं आपको बता रहा था ना कि इसके अलॉय व्हील भी ट्यूबलेस रहेंगे, तो मैंने इन भैया से पेट्रोल पंप वाले पंचर वाले भैया से बात करी थी कबूल नगर में, तो वो कह रहे थे कि हो जाएगा और 200 रुपये एक टायर का खर्चा है नल की लगा के ट्यूबलेस करने में, क्योंकि अभी तक एक भी पंचर नहीं है सुधा से, ठीक है? तो बाकी अभी अपना घर पहुँचते फिर मैं आपसे थोड़ी और आगे बात करता हूँ। तो दोस्तों मैं घर पहुँच गया और गर्मी इतनी हुई, हालत ख़राब होगी हेलमेट पहन के, लेकिन वीडियो भी पता नहीं क्या ही बनी होगी, देखूंगा अब ऊपर जाके। और अब अपना पॉल्यूशन पूरा हो गया 1 साल का, और वो भाई पता नहीं क्या कह रहे, दिल्ली में जो है पता नहीं क्या रूल निकला है, ये अभी रूल नया क्या है, उनके प्रॉब्लम थी BS6 का पॉल्यूशन ही नहीं बन रहा, पता नहीं क्या सिस्टम हो रहा भाई। और मेरी BS6 तो हो चुका भाई 1 साल, कहता कितना टाइम हो गया, मैंने भाई 1 साल के बाद ही तो बनता पॉल्यूशन, और कितने टाइम बाद बनता, तो भाई माना नहीं। तो फिर मैंने कहा भाई देख लो भाई, बन जाए तो देख जा, टेस्ट ट्राई करके तो देखो आप, तो भाई ट्राई किया बन गया भाई, बनवा के ले आया बस किस तरह, और 100 रुपीज़ लिए भाई उन्होंने। मैंने भाई बनाओ भाई अब तुम, मैंने कहा यार 100 रुपीज़ दोस्तों कुछ मायने नहीं रखता अगर 10,000 रुपये के आगे। तो अब अपने इस साइलेंसर के साथ बन गया, तो पॉल्यूशन जीरो आया अभी तक, मेरे को पता था भाई, क्योंकि नहीं भाई के ज़्यादा कैसा आ जाएगा। तो अब जो है अब इसका साइलेंसर करेंगे हम चेंज, दोबारा वापस अपना शॉर्ट वाटर लगाएंगे, बस मैं इसी वजह से रुका हुआ था कि इसका एक बार पॉल्यूशन करा लूँ, फिर अपना वापस दोबारा वही वाला साइलेंसर लगाएंगे। मैंने उसे कह दी थी भाई अपना वही स्टॉक लगा हुआ है जो कंपनी से आता है, फिर वो मान गया। तो यही था भाई, अगर आपके भी स्टेट में ऐसा कुछ हो रहा हो कि पॉल्यूशन ना बन रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मेरी स्टेट में तो हो रहा भाई, दिल्ली में रहता हूँ मैं, ऐसा था भाई प्रॉब्लम, बस रिक्वेस्ट कर करके बनवाया है मैंने। मैंने कहा भाई अगर आप तो मना कर रहे हो कि नहीं बन रहा, अगर मेरे को किसी पुलिस वाले ने खड़ा कर पकड़ लिया तो क्या होगा भाई, क्योंकि इंश्योरेंस तो है और मेरे पास बस लाइसेंस नहीं है अभी, तो लाइसेंस के लिए अप्लाई करूँगा मैं, ठीक है? तो पॉल्यूशन का तो यार ज़्यादा पंगा हो जाएगा ना फिर, अगर मान लो किसी ने रोक लिया 10,000 रुपये, वो मानेगा भी नहीं क्योंकि एक तो मेरा लाइसेंस भी नहीं है। मैंने कहा यार कुछ भी चीज़ एक दो चीज़ तो हो कम से कम, यार ये रील बहुत गर्म हो जाती है, इसका कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि व्लॉग अच्छा लगा होगा मेरा आज का। और अब जल्दी से इसका मैं दोबारा साइलेंसर जो है अपना वही पटियाला लगाएंगे वापस दोबारा, ठीक है दोस्तों? मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, जो मन करे वो करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।